गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पावर विंडो की सर्विसिंग, क्योंकि ये चलते टाइम बाहर की तरफ आ जाता है, अटकता है, स्लो ऊपर जाती है, नीचे की तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो, तो गाड़ी ऑन कर देते हैं एक बार। अब गाइस यहाँ पर पावर विंडो देखना, ये देखो ये जो एज दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ आ गया है। ये देखो यहाँ कितना गैप बन रहा है। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, और देखो नीचे कितनी लेट जा रही है, ये अटक रहा है नीचे। तो ये सब आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, सारी सर्विसिंग कर देंगे, दोनों पावर विंडो की कर दूंगा मैं, और डोर पैनल कैसे खोलना है आपको पावर विंडो वाला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और इसकी सर्विसिंग कैसे करनी है, शीशा कैसे बाहर निकालना है, वापस कैसे लगाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस अब मैं फ्रंट डोर का ये पैनल है इसे खोलने वाला हूँ, कैसे खोलते हैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम आपको इसे ओपन कर लेना है, नट की तरह ये खुल जाता है। और दूसरा है ये वाला नट, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आपको खोल लेना है, और ये पैनल जो है इसे बाहर निकाल लेना, बहुत आसानी से निकल जाता है, इसके अंदर दो लॉक लगे होते हैं। उसके बाद एक नट ये रहा, ये नट भी हमारा निकल चुका है। ओके, दो नट इसके अंदर हैं, एक इसके अंदर और एक नट ये रहा। पहले इस वाले को खोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है ट्रे की तरह। इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फ्लैट हेड पेच का होना चाहिए। ये वाले दोनों बाहर आ गए, इसे हम साइड में रख देते हैं, और इसे खोलते हैं सबसे पहले। ये खुल गया, इसके अंदर पेच नहीं है बट इसके अंदर नॉर्मली होता है, और अभी इसे खोलते हैं। तो भाई ये प्लास से भी आप खींच सकते हो अगर ये प्रॉपर ना निकले, ये एक देसी तरीका है, जब ये ज़्यादा अपने अड़ जाए अपनी बात पे तो फिर हमारे पास तरीका और है। सेम ऐसा पेच यहाँ पर भी है, ये रहा, ये बहुत आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे शायद डर लग गया। अब उसके बाद ये हाथ यहाँ पर ये क्लिक हो गया एक, और एक ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है, ये देखो ये आ गया, ठीक है। हाँ ये वाला भी है, ये स्विच भी हमें निकालना है। तो ये फ्लैट हेड पेच कैसे निकलता है, यहाँ पर ऐसे लगाया एक क्लिक यहाँ पर, और ये जो स्विच है ये निकल जाएगा। इसे निकालने का तरीका ये है, ये आप ग्रूव देख रहे हो ये वाला, इसे आपको सिर्फ यहाँ पर पुश करना है और ये बाहर खींच जाएगा, ठीक है। अब जरा इस पैनल को निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठता है, ये याद रखना ऊपर की तरफ थोड़ा पुश होगा फिर ये निकलता है। उसके बाद ये भी निकल जाएगा आराम से, और ये पेचकस भी, और ये कैलिपर भी निकल जाएगा। अब हम इसे रख देते हैं साइड में, सबसे बेस्ट जगह है ये कोई भी पार्ट रखने की। तो दोस्तों अब मैं निकालता हूँ इसका ये शीशा, अंदर का जो शीशा लगा हुआ है, इसे निकालने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इसे निकालने का ये बहुत आसान तरीका है, ये दो पेच आप देख पा रहे हो, एक येरा, इन दोनों को आपको खोल लेना है बस, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। अब ये पहले हम थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करेंगे, ये बाहर की तरफ निकलेगा, ध्यान रखना ये शीशा बाहर की तरफ ही निकलता है, और ये इतनी आसानी से निकल गया। यहाँ पर गंदगी देख रहे हो, इसे हम साफ करेंगे, और इसे भी आपको यहीं रखना है बिल्कुल सेफ जगह पे, ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब बारी है हमें इस चैनल को और इस पावर विंडो मोटर को बाहर निकालना है। इसके लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 नट खोलने पड़ेंगे। उसके लिए लगेगा 10 नंबर की घोटी, 10 नंबर की चाबी, आपके पास कुछ भी हो। मेरे पास ये रैचेट सेट था जो मैंने मंगाया था, चैनल पे वीडियो पड़ी आप देख लेना, बहुत आसान हो जाता है इससे काम, आपको इसे लगाना है और बस खुल गया, बहुत आसान है ये, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। और अंडर 1000 मैंने ये ली थी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये है कि हाँ काम बहुत आसानी से करवा देती है, इस वजह से मैं इसे जस्ट थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा काम करने की सोच रहे हो तो आपके पास ये चीज होनी बहुत जरूरी है। तो चलो ये मैंने सारे ढीले कर लिए हैं। अब गाइस यहाँ पर हमें इस क्लिप को भी निकालना है, तो इसे जस्ट आपको यहाँ पर एक बटन होगा, इसे पुश कर देना अंदर की तरफ और फिर इसे निकालना, ये निकल जाएगा। ये ग्रूव है जो ये पुश अंदर होता है, उसके बाद ये बाहर आ जाता है। तो गाइस अब इसे हम निकालते हैं, इसका कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है निकालने का, बस ये कि जिस तरीके से बाहर आ जाए उससे निकाल लो आप, बहुत आसानी से बाहर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मेहनत लगाने की लोड़ नहीं है। और ये आपका चैनल बाहर आ गया है,
और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसकी क्या है इस टाइम। अब कंडीशन आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा ब्लैक पड़ा है, डस्ट जमी पड़ी है इसके अंदर पूरी मिट्टी, और यही वजह है जो इसे पूरा मतलब खराब और स्लो करती है। इसके साथ ही अंदर ये एक चैनल है जिसके अंदर होके शीशा ऊपर नीचे होता है, तो ये भी मतलब जाम हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ये रबड़ है अंदर, ये बहुत हार्ड हो जाती है। यहाँ पर आप मिट्टी देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी जमी पड़ी है। इसके अंदर आप इसे स्मूथ कैसे कर सकते हो वो तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। हम इसे करेंगे क्लीन, उसके बाद हम करेंगे इसकी ग्रीसिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डीजल, मेरे पास मिट्टी का तेल है, तो हमें जस्ट इसे स्प्रे करना है इस पर, ये वाला। ये स्प्रे करने के बाद हमें इस पर ब्रश मारना है जिससे सारी जो मिट्टी जमी हुई है इस पर ये सारी की सारी निकल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल रही है। अगर आपके पास WD-40 है या कोई क्लीनर है तो उसे आप मार सकते हो, उसे बहुत आसानी से निकल जाएगा, मगर हमारे पास देसी जुगाड़ है तो हम इसी से कर रहे हैं। ये देखो जितनी भी मिट्टी इसके ऊपर जमी होती है सारी की सारी निकाल देगा ये, और उसके बाद फिर इसकी करेंगे अच्छे से ग्रीसिंग। तो पहले मैं ये काम निपटा लेता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमने क्लीन कर दी है, यहाँ पर आप देखो बिल्कुल अब चमक रही है, पहले जितनी ब्लैक थी। ये जस्ट आप इसे वॉश करोगे पेट्रोल से, डीजल से, या फिर मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से मत करना, डीजल मिट्टी के तेल से आप वॉश करोगे तो ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगी ये प्रॉपर। अब बारी है इसकी ग्रीसिंग करने की, तो वो ग्रीसिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आपको इसकी ग्रीसिंग करनी है। हमारे पास ग्रीस है, 70 रुपये का पैकेट आता है ये पाउच जो है, ये एक ले लेना ग्रीसिंग के लिए प्रॉपर। और अब जो ग्रीसिंग मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ करनी है, तो ये चैनल आप देख पा रहे हो, ये ग्रूव जो है इस पर चलता है, तो इस पर हम ग्रीसिंग करेंगे प्रॉपर। और जस्ट आपको इस एरिया में रखना है ग्रीस, ये देखो बस इस एरिया में ये रखना बस आपको ये, और हल्का हल्का आपको लगाते जाना है, और इसे फिर बाद में उंगली से फैला देना ये देखो ऐसा करके। यहाँ पर हम इसे दोबारा कर देते हैं, यहाँ पर देखो, और ये यहाँ पर दोबारा से ये एरिया जो रह गया है इस वाले पे भी कर देंगे हम, ये देखो इस एरिया पे भी मस्त लग गया है। इसके अंदर भी आपको लगा देना हल्का सा, वैसे तो कम ही लगेगा इसमें बट फिर भी लगा देना आप। तो भाई सेम ऐसा भी आपको इधर साइड भी करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस टाइप से आपको लगा देना है ये वाला, और फिर इसे उंगली से स्प्रेड कर देना है यहाँ पर, देखो इस एज पे लगाने के बाद। अब बारी आती है इस रोलर की, इस रोलर पे हमें काफी अच्छी तरीके से ग्रीस लगाना है, ये रोलर काफी ज्यादा घूमता है। और अब बारी है इस पे ग्रीस लगाने की, तो आपको जस्ट कोई इस पर रूल तो है नहीं है, जस्ट आपको इस पर लगाना है अच्छी तरीके से, काफी ज्यादा ग्रीस लगेगा इस पे क्योंकि यही आगे तार को भी सप्लाई करता है, ग्रीस यहीं से लग के जाता है तार के अंदर भी, तो हमें जस्ट इसके अंदर भी पुश करना है क्योंकि हम इसे खोल तो सकते नहीं है, अंदर की तरफ हमें ऐसे पुश कर देना है, तो ये अंदर भी इसके अंदर ग्रीस चला जाएगा। ये देखो ये, और एक ये होल है इसके अंदर भी, चाहो तो आप इसके अंदर डाल सकते हो ग्रीस, ये देखो और ये जो बीच का सर्कल है इसके अंदर भी यहाँ पर भी लगेगा हल्का सा क्योंकि ये भी राउंड होता है, ये भी घूमता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये दो कट हैं, इनके अंदर भी ग्रीस लगेगा क्योंकि जो पार्ट मूविंग है उसमें सब में ग्रीस लगता है, तो हम इस पर भी लगा देते हैं बढ़िया तरीके से। अब आ रही है इस वाले सर्कल की, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं हल्का सा, इस पे लगाने की वैसे ज़रूरत होती नहीं क्योंकि नॉर्मली इस पे अपने आप ही लग जाता है जब ये तार चलती है तो, और इस वायर पे भी आप लगा ही देना ऐसा करके। तो भाई ये ग्रीसिंग हो चुकी है, अब हम इसे फिट करते हैं इसके अंदर। दोस्तों अब हम इसे फिट करने लगे हैं इसके अंदर, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसे फिट करना है, कैसे इसे अंदर लेके जाना है। तो सबसे पहले हमें इसे इस पोजिशन में लेके जाना है, देखो ये वाला पार्ट अंदर जाना चाहिए इसके, ये गया, ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर पुश हो जाएगा, ये अंदर पुश हो गया बस, ये वाला लेके जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम इसे लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों नट हमने फिट कर दिए हैं प्रॉपर, तो इसे मैं अब बोल्ट लगा देता हूँ, ये 10 mm के नट लगते हैं इसके अंदर। ये हमने लगा दिया, हमारी है इसकी, इसे हम प्रॉपर फिट करते हैं। तो ये दो नट इसके ऊपर लगेंगे यहाँ पर, ये देखो ये बाहर आ गया है,
और दो यहाँ, दो ही यहाँ पर नीचे लगेंगे, तो टोटल चार होने चाहिए हमारे पास। पहले मैं दोनों यहाँ पर फिट कर देता हूँ। बारी है ना टाइट करने की। तो दोस्तों ये मेरे पे रैचेट सेट पड़ा है, इसकी वीडियो भी चैनल पे है। बेस्ट है ऐसे कामों के लिए, अगर आप DIY खुद का काम कर रहे हो तो वो ज़रूर ले लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अंडर 1000 मिल जाती है। ज़रा मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। अब ये क्लिप है, ये पावर विंडो मोटर का है, तो इसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं जहाँ पर ये पहले लगा हुआ था। बस इसे एक बार अंदर लगा देना, बस ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखना आप। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, वो जो शीशा आगे की तरफ झुक रहा था ऊपर जाते टाइम, तो वो कैसे आपको क्लियर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रीस लेना हल्का सा। और तो गाइस यहाँ पर आप ये वाला ये ग्रूव देख सकते हो, प्लास्टिक की जो ये चैनल है इसके अंदर होकर ही शीशा चलता है। कभी कभार इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें हल्का सा ग्रीस लो। यहाँ पर आप मेरे फिंगर टिप पे ग्रीस देख सकते हो, और जस्ट मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो यहाँ से, हाँ जस्ट आप इसके अंदर इसे पुश कर दो, ये वाला। ऐसे ही हल्का हल्का करके लगाना है, ये ज़्यादा मत लगाना, हल्का सा ही लगाना। और इतना बाहर है इसे कपड़े से पोंछ लेना है, और ये हल्का अंदर की तरफ लगा देना, और ये ऊपर तक करना है, यहाँ तक, यहाँ पर ये जो एज है यहाँ तक आप इसे लगाना है, ये नीचे से लेके बिल्कुल प्रॉपर। और सेम ऐसा आपको यहाँ इस वाली साइड भी करना है। और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दोगे, आपका जो मिरर आगे की तरफ भाग रहा था या फिर अटक के खींच के चल रहा था, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अब बारी है शीशे की फिट करने की। तो ये देखो, ये बिल्कुल आराम से चला जाता है अगर आप यहाँ से पुश करते हो इसे अंदर की तरफ। ये देखो, वैसे बस आराम से यहाँ से वो करना, और आगे का कोना जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखना, तभी ये बिल्कुल फिट आएगा। ये देखो ये आ गया प्रॉपर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये दो पेंच जो है वो यहाँ लगेंगे, और यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। बस मेन बात है चैनल में फिट होना चाहिए, और ये लॉक है इसके, ये वाले, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा जब इनके ऊपर ये फिट हो जाएगा। तो अब जरा मैं इन्हें भी टाइट कर लेता हूँ। बिल्कुल ज़्यादा टाइट मत करना, जितना आपको लगे कि हाँ सफिशियंट है सिर्फ उतना ही टाइट करना इसे, क्योंकि ये ग्लास है, ब्रेक हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैंने ये शीशा बिल्कुल लगा दिया है, ये देखो परफेक्ट एकदम, कहीं से बाहर कहीं से इधर उधर नहीं हो रहा ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले जो ये इधर की तरफ झुक जाता था वो वाला सिस्टम नहीं है, और इस चैनल से ये बाहर निकलता था जब हम ऊपर करते थे। जब मैं इसे यहाँ से ऊपर करता था तो इस चैनल से ये ऐसे बाहर आ जाता था, अब वो सिस्टम नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से इस चैनल पे ग्रीसिंग कर दी है, तो ये परफेक्ट हो गया है। तो गाइस अगर आपकी पावर विंडो ऐसे अटक रही है तो बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हो, और डोर पैनल फिट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से फिट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं लगाने वाला हूँ ये पैनल, और आपको दिखाता हूँ कितनी आसानी से आप इस पैनल को लगा सकते हो यहाँ पर, बहुत आसानी से, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की लोड। तो सबसे पहला काम है ये जो डोर लॉक का हैंडल है, इसे हमें इसके अंदर से निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पर इस क्लिप को लगा देता हूँ, ये लग गया। और उसके बाद ये जो है इसे मैंने वायर को यहाँ पर कर दिया है, ताकि ये जो मैं पावर विंडो वाला जो लॉक है इसे लगा सकूँ बटन को, और इसे मैं लगाता हूँ यहाँ पर। तो ये ज़रा ये थोड़ा सा ऐसे फिट होगा, इसे एक बार यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये जो आप लगेगा, ये जो अनलॉक लॉक वाले जो पिन होती है, इसे हम इस होल में से बाहर निकाल लेते हैं, ये निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आके लगेगा, एक मिनट पहले मैं इसे अप कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा रूम मिल जाए। ये देखो ये यहाँ से प्रॉपर लग चुका है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट है। अब उसके बाद हमें बस पेंच लगाने हैं इसके अंदर, और ये भी प्रॉपर लगा देता हूँ मैं। इसे थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ खींचना है, बस ये लग चुका है यहाँ पर, ये देखो ये प्रॉपर लग गया। अब बारी है पेंच लगाने की। तो ये है पहला पेंच, ये चाहिए हमारा, तो यहाँ लगा देते हैं इसे, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये है ये पावर विंडो का स्विच है, इसे लगा देते हैं।
इसका लगाने का बहुत आसान है, ये कट है और ये एक जो एज उभरा हुआ है इसे यहाँ पर मिक्स कर देना, क्लिक की आवाज़ आएगी, ये लग जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है हमारा, ये दोनों लग गए हैं। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ पर कोई पेंच नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ये लॉक लगे होते हैं, पर पुश कर देना है और इसे ही पुश कर देना है, परफेक्ट लग गया। नीचे जो है यहाँ पर ऐसे प्लास्टिक के लगते हैं, तो इन्हें लगाने का, वैसे तो ये नए लगते हैं हर बार की तरह, मगर इन्हें रीयूज़ करने का आपको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसे जस्ट आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे करके, और इसे आपको यहाँ पर यहाँ लेके जाना है, ये लग गया है प्रॉपर। अब उसके बाद आपको इसे दोबारा वापस पुश कर देना है, टाइट करने की ज़रूरत नहीं, पुश करना सीधा, ये लग जाएगा। सेम ऐसे ही मैं ये वाला लगा देता हूँ। अब बारी है इन नटों की, तो ये भी लगा देते हैं। ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लगने के लिए, बट एक बार लग जाएँ तो बहुत बढ़िया रहते हैं, आपके पैनल को प्रॉपर फिट करके रखते हैं ये। अब इनके ये ढक्कन होते हैं, ये लगा देते हैं। ये देखो ये कट है नीचे, यहाँ पर इसे ऐसे पुश करना है, बस ये लग गया परफेक्ट। और ये है हमारा डोर अनलॉक लॉक का, ये हैंडल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, इसे आपको जस्ट नट की तरह कस देना है, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा, आवाज़ भी नहीं करेगा इतनी। तो ये हमारा डोर, अभी एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, तो अब इस डोर के अंदर ये चीज़ रह गई है, इसे लगाने के लिए बस हमें डायरेक्ट यहाँ से पुश कर देना है और ये नीचे इस पेज को इसमें लगा देना है और प्रॉपर टाइट करना है, क्योंकि अगर ढीला रह गया तो ये आवाज़ करेगा गाड़ी चलते हुए। ये एकदम परफेक्ट हो गया है। और अब बाकी है ये वाला, ये पार्ट, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, बस पुश करो डन। अब मैं आपको ये विंडो दिखा देता हूँ चला के, ये देखो अब जो स्पीड आ रही है इसकी, पहले वो स्पीड नहीं थी, अब ये बहुत स्पीड हो गई है पहले के मुकाबले, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो। तो गाइस मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई हो, ऐसी ही कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास गाड़ी भी है तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन की वीडियोस भी आती रहेंगी। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।